मंगलवार के दिन शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा तुरंत सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी दोस्तों जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जय हनुमान दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को सच्चे दिल से मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए मंगलवार के दिन शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा शिवजी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे अकूत धन और नव निधियों के स्वामी धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है अगर आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए तो आइए अब चलते हैं उपाय की और दोस्तों आपने कई बॉलीवुड की अभिनय रियो को शरीर पर काला धागा बांध हुए देखा होगा कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज्य है आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी ज़िंदगी इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा थोड़ा हटकर उपाय है यह दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं कई सालों से ही इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए बांधा जाता है दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं ऐसी बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है दोस्तों वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है यह पंच तत्व है पृथ्वी वायु अग्नि जल और आकाश इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं हाथ व पैर में काला धागा बांधना ज्योतिष के अनुसार लाभदायक माना जाता है और इससे आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है लेकिन काला धागा बांधने के लिए आपको नियमों का पालन करना जरूरी है कई लोग नजरदोष दूर करने के लिए और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए हाथ या पैर में काला धागा बांधते हैं वास्तव में यह आपको कई तरह के ज्योतिष लाभ प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है आपने भी शायद कई लोगों को काला धागा पहने हुए देखा होगा और कुछ लोगों के लिए यह फैशन स्टेटमेंट भी बन गया है लेकिन यदि आप इसे ज्योतिष कारणों की वजह से पहन रही हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे ज्योतिष के सभी नियमों का पालन करते हुए ही पहनना चाहिए मुख्य रूप से जब आप इसे धारण करें तब दिन का मुख्य रूप से ध्यान रखें और इसे कुछ विशेष दिनों में ही धारण करें आइए जानते हैं हाथ और पैर में काला धागा बांधने से क्या होता है आपको किसी भी बुरी नजर से ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहने के लिए हाथ या पैर में काला धागा पहनने की सलाह दी जाती है यह काला धागा महिलाओं को बाएं हाथ पैर में और पुरुषों दाहिने हाथ या पैर में पहनने की सलाह दी जाती है इसके प्रभाव से आपके रास्ते में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म किया जा सकता है और बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है काला धागा न का प्रतीक माना जाता है और इसे धारण करने से शक्तिशाली ग्रह शनि को प्रसन्न किया जा सकता है इनके प्रसन्न होने पर व्यक्ति को भाग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है यदि आप पैर में काला धागा पहनती हैं तो आपको शनिदेव का कवच मिलता है जो मुसीबतों से दूर रखता है काला धागा पहनने के लिए दिन का चुनाव आपको विशिष्ट ज्योतिष मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर करना चाहिए जिससे इसके पूरे लाभ मिले यदि आप इसे किसी शुभ दिन में धारण करते हैं तो यह आपके जीवन में समृद्धि का कारक बनता है और इसके कई गुना ज्यादा लाभ मिलते हैं आइए जाने ज्योतिष के अनुसार काला धागा पहनने के लिए सबसे शुभ दिन कौन से हैं ज्योतिष की माने तो आपके लिए मंगलवार के दिन काला धागा बांधना बहुत शुभ होता है और इस दिन इसे धारण करने से मंगल के दोषों से मुक्ति के साथ हनुमान जी की पूर्ण कृपा दृष्टि भी मिलती है मंगलवार के दिन बांधा गया काला धागा आपको कई दोषों से मुक्त करता है ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि ग्रह को समर्पित होता है ऐसा माना जाता है कि यदि आप सवार के दिन काला धागा धारण करती हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं शनि को अनुशासन जिम्मेदारी और कर्म से जुद्ध हुआ माना जाता है इसलिए इस दिन काला धागा पहनने से आपको कई क्षण दोषों से मुक्ति मिल सकती है ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन शनि ग्रह को समर्पित होता है ऐसा माना जाता है कि यदि आप शनिवार के दिन काला धागा धारण करती हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं क्षण को अनुशासन जिम्मेदारी और कर्म से युद्ध हुआ माना जाता है इसलिए इस दिन काला धागा पहनने से आपको कई क्षण दोषों से मुक्ति मिल सकती है ज्योतिष की माने तो अमावस्या तिथि के दिन काला धागा पहनना बहुत शुभ माना जाता है अमावस्या को आध्यात्मिक विकास से युद्ध हुआ माना जाता है और इस दिन काला रंग पहनने से नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और संचारित करने में मदद मिलती है इसलिए यदि आप पैर में काला धागा पहनना चाहती हैं तो इसी दिन पहने तो इसके पूरे परिणाम मिल सकते हैं प्रदोष व्रत के दिन काला धागा बांधना अंगूठे में काला धागा बांधने के फायदे बहुत शुभ माना जाता है बढ़ते और घटते चंद्र चरणों के तेरहवें दिन यानी कि प्रदोष व्रत पर गोधूली बेला के दौरान यदि आप हाथ या पैर में काला धागा बांध रही हैं तो आपके लिए शुभ होगा इसके साथ ही आपके लिए महाशिवरात्रि के दौरान भी काला धागा बांधना शुभ हो सकता है काला धागा बांधने के नियम अगर आप हाथ और पैर में काला धागा बांधते हैं तो महिलाओं को इसे शुभ दिन में बाएं हाथ या पैर में बांधना चाहिए वहीं पुरुषों को दाहिने हाथ या पैर में बांधने की सलाह दी जाती है ज्योतिष की माने तो आपको हाथ और पैर में काला धागा पहनते समय दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको इसके पूरे शुभ फल मिल सके तो मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे और नीचे कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए